एक बार फिर से हरियाणवी गायिका और डांसर सपना चौधरी के पति वीर साहू सुर्खियों में हैं। वजह है उनके ऊपर दर्ज हुआ केस। हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी के पति वीर साहू समेत 70 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वीर साहू पर बगैर मास्क के भीड़ एकत्रित करके कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। दरअसल विवाद पत्नी और बेटे को लेकर हुआ है, जिन पर फेसबुक के माध्यम से सवाल उठाए गए हैं। वहीं सवाल उठाने वाले शख्स को वीर की तरफ से मिलने की चुनौती भी दी गई है। पिछले रविवार आए सपना चौधरी के मां बनने की खबर ने सबको हैरत में डाल दिया था। लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो इसको लेकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। चर्चाएं गर्म होने पर वीर साहू ने खुद फेसबुक लाइव करके अपने और सपना की इस गुड न्यूज को लोगों से शेयर किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी सपना और वीर की शादी को सही नहीं मान रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया रोहतक जिले में, जहां सपना चौधरी के पति वीर साहू के सामने किसी ने फेसबुक पर ऑनलाइन आके उनके निजी जीवन संबंध को लेकर कुछ विवादित बात कह दी, जिस पर वीर साहू को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस इंसान को काफी भला बुरा कहा तो इस पर उस इंसान ने उन्हें देख लेने की धमकी दे डाली। इस पर वीर साहू ने भी कहा कि हिम्मत है तो सामने आओ। बस इसके बाद दोनों लोगों ने महम चौबसी के चबूतरे पर एक दूसरे का हिसाब करने की बात कहकर 12 अक्टूबर दिन 12 बजे मिलने का वक्त निर्धारित किया और फिर वीर साहू 12 तारीख को अपने समर्थकों को लेकर मौके पर पहुंच गए। लेकिन वहां पुलिस को देखकर उन्होंने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोरोना नियमों के उल्लंघन करने के जुर्म में पकड़ लिया। वीर साहू पर आरोप है कि उन्होंने बगैर मास्क के भीड़ एकत्रित करके कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई है और इसी वजह से पुलिस ने वीर साहू समेत करीब 70 अन्य लोगों पर धारा 188 के सहित डिस्चार्ज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि वीर अपने समर्थकों के साथ 15 कार लेकर आए थे और इन कारों में भरे किसी भी इंसान ने मास्क नहीं पहना था। आपको बता दें कि सपना चौधरी के पति वीर साहू एक गायक और हरियाणवी अभिनेता है, उन्हें बब्बू मान के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट वगैरह किया होगा तो उसके ऊपर फेसबुक पे उन्होंने चैलेंज किया था और उस चैलेंज पे उन्होंने चबूतरे का जो महम का जो ऐतिहासिक चबूतरा है उसके बारे में जिक्र करके वहाँ उनको ललकारा था, जिसके ऊपर दोनों वहाँ पे पुलिस तैनात की गई थी। और तो पुलिस के तैनात होने के बाद ये यहाँ पे तो कोई गैदरिंग हुई नहीं, लेकिन वीर साहू कुछ गाड़ी और लोगों के साथ ये फरमाणा गांव में पहुँचा था, फरमाणा चंद्रपाल यहाँ इधर पहुँचा था, और जिसके वहाँ उसके खिलाफ वहाँ पे गैदरिंग करने के उसमें हमने 188 और 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.